हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विश्वजीत है और आप लोगों को विश्वजीत चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि टेक्नो i3 का जो है पासवर्ड रिमूव और गूगल अकाउंट कैसे हटाए। इजीली मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। वैसे तो दोस्तों, टेक्नो i3 बाद में i3 Pro है, उसको जो है हार्ड रिसेट करने में कभी कभी जो बहुत प्रॉब्लम होता है कि हम उससे हार्ड रिसेट कर नहीं पाते। नो कमांड तो आ जाता है, उसके बाद में उसका जो मेनू नहीं आता। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग इसको इजीली जो है इसका पासवर्ड और इसका गूगल अकाउंट जो है इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जैसे इसका मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका जो है पैटर्न लॉक और गूगल जो लॉक है वो दोनों एक साथ में इसको कैसे निकालते हैं बहुत ईजी से। तो दोस्तों, जो है सबसे पहले क्या करना है, हमारा फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना है। ठीक है, मैं इसको जैसे स्विच ऑफ कर देता हूँ अभी। दोस्तों, मैं आज आप लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप इजीली इसका जो है गूगल लॉक भी निकाल सकते हैं और इसका पैटर्न लॉक भी तोड़ सकते हैं। तो उसके बाद ऑफ करने का आपको वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन एक साथ में दबाना है। ठीक, एक साथ में दबा के रखना है। जैसे ही ऑन होकर आपको पावर बटन छोड़ देना है, वॉल्यूम अप वाला बटन को जो है दबा के रखना है। नो कमांड आएगा, नो कमांड आने के बाद में आपको क्या करना है, डाउन बटन को दबाना है, पावर बटन को दबाना है और वॉल्यूम अप बटन को एक बार दबाना है। ठीक है, डाउन बटन, पावर बटन को दबा के रखने के बाद में वॉल्यूम अप बटन को एक बार दबाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे आ जाना है फैक्ट्री रीसेट। ठीक है, उसके बाद में पावर की को एक बार दबाना है, फिर इसमें डिलीट ऑल यूज़र डाटा पे आके फिर से एक बार पावर बटन दबाना है। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लेगा प्रोसेस होने में। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर से वो पावर बटन दबा देना है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा दोस्तों ऑन होने के लिए। और इसके बाद में इसमें गूगल लॉक पूछेगा, क्योंकि ये जो 7.0 है, ठीक है, इसको जो गूगल बाईपास करना थोड़ा हार्ड है, तो मैं इसको इजीली आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये ऑन होने में थोड़ा टाइम लेगा ही लेगा। टेक्नो टेक्नो दोस्तों, मैं वीडियो थोड़ा देर के लिए पॉज कर लेता हूँ जब तक पूरा नहीं ऑन नहीं होता। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा ऑन होने के लिए। तो दोस्तों, बाद में ऑन पूरा ऑन होने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे स्टार्ट बटन है, सेटअप यूज न्यू, और यहाँ पे जो है आपको वाईफाई पूछते हैं। ठीक है, यहाँ पे वाईफाई पूछने का टाइम आपको क्या करना है, सिंपली जो है यहाँ पे पासवर्ड डालना है, 1 2 3 4 5 6 7 9, ये मेरा वाईफाई पासवर्ड है। ओके, मैं ऑलरेडी इसको एक बार किया हूँ दोस्तों। ठीक है, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगा, मैं ऑलरेडी एक बार किया हूँ, करने के बाद में सक्सेस हुआ बोल के मैं वीडियो फिर से बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं बैक चला जाता हूँ, बैक आने के बाद में इसके ऊपर एक बार क्लिक करता हूँ। बाद में क्लिक करने के बाद में ऐड नेटवर्क में जाना है। ठीक है, नेटवर्क के जाने पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ऐसा ड्रेस का एक मतलब कपड़ा का जैसा आइकॉन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको उसमें से क्या करना है, सबसे पहले वाईफाई सेलेक्ट कर लेना है। कपड़ा चूज करने के बाद में इस तीन जो लाइन है ऊपर में, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में सेटिंग में आ जाना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद में हेल्प पे क्लिक करना है। इसके बाद में FAQ पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद में FAQ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम वेट करना है। और वो सब करने से पहले आपको क्या करना है, आपको फ़ोन को वाईफाई से कनेक्ट करके रखना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए नीचे की पे सबसे नीचे वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कुछ भी जगह पे थोड़ा टाइम तक दबा के रखिए, कुछ
कुछ भी थोड़ा टाइम पे दबा के रखिए और यहाँ पे आपको शेयर का ऑप्शन मिल रहा है तो ठीक है शेयर करना है यहाँ पे, ठीक है शेयर का ऑप्शन है, शेयर के ऊपर क्लिक करना है और जीमेल लिखा है ना इसके ऊपर देखिए थोड़ा टाइम दबा के रखिए, थोड़ा टाइम दबा के रखिए, दबा के रखने के बाद में ऐप इंफॉर्मेशन, ऐप इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको जाना है नोटिफिकेशन में, उसके बाद में गूगल के ऊपर क्लिक करना है, सॉरी गूगल पर नहीं सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, फिर से बता देता हूँ यहाँ पे देखिए सेटिंग का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, उसके बाद में थ्री डॉट है ना इसके ऊपर क्लिक करना है कि उसके बाद में ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको मैनेज अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में आप इसका देख सकते हैं जो एंड्रॉयड वर्जन है 7.0 है, ठीक है। तो आप इसको आप अभी आप इसको क्या करना है आपको सबसे चला जाना है ऐप में, किधर है इसके ऐप, ऐप के अंदर जाना है, ऐप के अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ पे गूगल ढूंढना है, गूगल, ठीक है मेरे को मिल गया, गूगल के ऊपर क्लिक करना है, नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है, फिर से सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है और इस वाले ऑप्शन को ऑन करना है और नो थैंक्स पे क्लिक करना है, आप डायरेक्टली गूगल में पहुंच जाएंगे। गूगल में जाने के बाद में आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा क्विक शॉट मेकर, जैसे क्विक शॉट मेकर को डाउनलोड करने के लिए हमको चला जाना है क्रोम में, क्रोम सर्च करने से क्रोम आ जाएगा, क्रोम को ओपन कर लेना है, एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नो थैंक्स देना है, उसके बाद में यहाँ पे हमको लिखना है QUICKSHOT क्विक शॉट मेकर, ठीक है यहाँ पे आ गया, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करके बाद में मेरे को सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन को मैं चूज करता हूँ, ठीक है सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद में मेरे को यहाँ पे एरो ऑप्शन दे रहा है इसका डाउनलोड का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, करने के बाद में यहाँ पे चेक हेयर पे क्लिक करने के लिए बोल रहा था मगर किया नहीं, उतना मैंने डाउनलोड के लिए पूछ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करता हूँ, अलाउ दे देता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ, तो मेरा जो है क्विक शॉट मेकर डाउनलोड भी हो गया, ओपन भी हो गया। तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद सेटिंग पे क्लिक करना है, इसको अनचेक करना है, अनचेक करने के बाद में ओके कर देना है, आपको बैक चले जाना है, अभी पूरा बैक बैक, उसके बाद में बैक जाने के बाद फिर से इसके ऊपर सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, इसको फिर से ऑन कर लेना है, यहाँ पे नो थैंक्स दे देना है, यहाँ पे आपको अभी लिखना फाइल मैनेजर, ठीक है आपने फाइल तो डाउनलोड कर लिया क्विक शॉट मेकर मैंने आपको बता दिया, फाइल मैनेजर पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ऐप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्विक शॉट मेकर का ऐप दिख रहा होगा इसके ऊपर क्लिक करना है और इंस्टॉल करना है, ठीक है। बाद में यहाँ से सिंपली इसको ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च बार में लिखना है OO लिख लिया, बाद में इसको थोड़ा ऊपर उठाते हैं, यहाँ पे लिखा है देखो OOBE, ठीक है OB बोल के लिखा है OOBE, यहाँ पे देख सकते हैं, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में आपको देखिए यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है, नोटबुक के पास आपको लिखा है OOBE, उसके नीचे वाला ऑप्शन के ऊपर आपको सेलेक्ट करना है, क्लिक करना है, उसके बाद में यहाँ पे ट्राई के ऊपर आपको क्लिक करना है, ट्राई के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ से देखिए ये रेड वाला जो है एरो मार्क इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर से इसके ऊपर क्लिक करना है, कॉन्ग्रेचुलेशन सक्सेसफुली हो चुका है, इसके बाद में फिर इसके ऊपर राइट टिक कर देना है, क्लिक करना है, तो थोड़ा टाइम वेट करना है, ठीक है ये ऑटोमेटिकली जो है मेन मेन्यू में चला जाएगा ऑटोमेटिक, देखिए ऑटोमेटिक मेन मेनू में पहुंच गया है। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, स्किप करते हैं, यहाँ से मेनू पे जाते हैं, सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं, डायरेक्ट चले जाते हैं अबाउट में और यहाँ पे है बिल्डिंग नंबर पर क्लिक करते हैं, क्लिक हो गया, बैक चले जाते हैं, डेवलपर ऑप्शन हमारा ओपन हो गया, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद में हमको OMG को जो ऑफ रहेगा ये इसको हमको ऑन कर लेना है, अनेबल हो गया, उसके बाद में बैक जाना है, बैक जाने के बाद में हार्ड रिसेट पर क्लिक करना है, बैकअप एंड रिसेट पर क्लिक करना है, फैक्ट्री रिसेट डाटा पर क्लिक करना है और फ़ोन को जो है रिसेट कर देना है फिर से। अभी इस बार आपको क्या होगा है? जो ईमेल आईडी कुछ जो भी था वो आपसे नहीं मांगेगा, आप डायरेक्टली उसको स्किप 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 करके जा सकते हैं,
तो दोस्तों ये फ़ोन ऑन होने में फिर से थोड़ा टाइम लेगा, तो मैं फिर से इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए बंद करूँगा, ठीक है। मतलब ये ऑन होने में थोड़ा टाइम लेगा, अभी कम से कम 1-2-3 मिनट ले लेगा, तो मैं चाहता नहीं कि मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करूँ, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे थोड़ा पॉज कर देता हूँ। जैसे ही फ़ोन पूरी तरीके से ऑन हो जाएगा फिर से मैं वीडियो को वहाँ से कंटिन्यू करूँगा। तो फ़ोन जैसे ही आपका पूरा ऑन हो जाएगा आपको सिंपली यहाँ पे गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे क्लिक करना है और आपके यहाँ पे डोंट स्किप का ये वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगर आप अगर वाईफाई अनलॉक नहीं करते तो आपको ये वाला ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि मैं एक टाइम किया था इसके लिए मेरे को ये ऑप्शन आ रहा था पहले भी, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता रहा था कि इसको करते कैसे हैं, ठीक है। आप अगर फर्स्ट टाइम हार्ड रीसेट करने के बाद आपको डायरेक्टली ऑप्शन नहीं आएगा, ये ऑप्शन आपको डायरेक्टली नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे इसको डोंट स्किप के ऊपर क्लिक करना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है, उसके सिंपल इस डॉट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद में यहाँ से नेक्स्ट कर देना है इजीली। यहाँ पे सिंपली यहाँ से इसको भी नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पे ऊपर में लिखा रहेगा आपको नो थैंक्स, सबसे नीचे इसके ऊपर क्लिक करके स्किप ऑलवेज पे क्लिक करना है। यहाँ से इसको ऊपर क्लिक करने के बाद में इसको जो एरो मार्क है फिर से क्लिक करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों जो इसका जो FRP लॉक था और उसके बाद में प्लस इसका जो गूगल अकाउंट था इसके इजीली हट गया है बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।